Student, today we are going to discuss a very important topic, that is Escherichia coli. Escherichia coli की बहुत अहमियत है हमारे, ये हमारे guts के अंदर भी रहते हैं. ये first जौन सा है, एक बच्चे के जौन सा है, feces जौन सा होता है. German bacteriologist ने इसको identify किया था, ठीक है. और ये तकरीबन हमारे जौन सा है intestine होता है, उसमें inhabited भी करता है हमारी body के अंदर. वैसे नॉर्मली भी ये भी इनहैबिटेंट करता ही है. इसके अलावा जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो अपना टेम्परेचर नहीं चेंज करते, उन सारों में ये जौन सा है एज ए माइक्रोफ्लोरा इट इज़ प्रेजेंट. ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजिन है, यानी जब इसे मौका मिलता है बॉडी के अंदर, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजिन उसे कहते हैं, वो तब ही फ़ौरन ही हमला बोल देता है, यानी आपकी इम्यूनिटी फ़ौरन कम होगी. उसके बाद ये, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है, सेप्सिस वगैरह करता है, यूटीआई करता है, यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इसी के होते हैं जो यूटीआई होते हैं. इसके अलावा नमूनिया वगैरह करता है, नमूनिया तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है. और मेनिनजाइटिस बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है. ये ज़्यादातर पखाने के अंदर यानी फीसिस के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है. और ये सरवाइव कर जाता है, ठीक है, फीसिस के अंदर. और इसका वही रूट है, फीको ओरल रूट जैसे ही होता है. अच्छा, ये फूड में ज़ाहिर बात है फीको ओरल रूट होता है, फीड में भी जौन सा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है. तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं, स्ट्रेन्स हैं जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है. इसकी जो इसमें जो मेन स्ट्रेन्स हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, विच यू हैव टू रिमेंबर, इज़ एक तो है एंटेरोपैथोजेनिक, ठीक है, एंटेरोपैथोजेनिक, ठीक है. दूसरा है एंटेरो इन्वेसिव, ठीक है. और तीसरा है एंटेरोटॉक्सिजेनिक, ठीक है. तो ये थ्री स्ट्रेन्स है, एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरो इन्वेसिव एंड एंटेरो जौन सा है टॉक्सोजेनिक. ये तीनों बहुत ज़्यादा जौन सा है इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेन्स हैं जो फूड इलनेस कार्स करती हैं. ऑल्दो इसमें इतनी ज़्यादा फूड इलनेस डेवलप कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है. डायरिया इसी की वजह से होता है, और ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया जौन से हैं इसको डायरिया, इट विल कॉज द डायरिया ऑफ द डिफरेंट टाइप, जिसमें टॉक्सोजेनिक है, एंटेरो इन्वेसिव है, ठीक है. दूसरा, इसकी सीरोटाइप्स भी होती हैं. सीरोटाइप जिसे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो सीरोटाइप्स इसकी भी वही है जो ओ एंड एच एंटीजन है, ठीक है. तो इसके अलावा टू फर्दर टाइप जो इसकी ई कोलाई जो कॉज ऑफ डायरिया करते हैं, जो आपको याद करने की ज़रूरत है, इसको है एंटेरो एग्रेटिव ई कोलाई और डिफ्यूज एग्रेटिव ई कोलाई, ठीक है. तो एंटेरो एग्रेटिव ई कोलाई इंक्लाई, ठीक है, ये डायरिया कॉज करते हैं द मोस्ट कॉमन. इतना याद कर लें काफ़ी है, ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है. ये ज़ाहरी बात है, ये एंटेरोबैक्टेरियाई फैमिली है जैसे पहले थे, और ई कोलाई जो उनसे एक उसकी जीनस है. ये कैटलेज पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और नॉन स्पोर्मिंग है. जैसे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई स्पोर फॉर्मिंग था ना, ये नॉन स्पोर, यानी ये स्पोर्स वगैरह नहीं मिलाता. और जेनेटिकली जो उनसे ई कोलाई, बिल्कुल आगे हम शिजेला भी पढ़ेंगे, तो शिजेला के बिल्कुल ही इसका जेनेटिक यानी जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है. शिजेला और ये बिल्कुल सेम ही होते हैं. और ये भी शिजेला की तरह जो शुगर है उसे फर्मेंट करते हैं, या लैक्टुलोज, जो लैक्टुलोज होते हैं उसे फर्मेंट कर देते हैं, ठीक है. नॉन मोटाइल होते हैं. और हाँ, एक दफ़ा ये स्ट्रेन अंदर घुस जाए, ठीक है, लैक्टुलोज की फर्मेंटिंग हो जाए और उस बायोकेमिकल के अंदर ई कोलाई घुस जाए, तब शिजेला से इसे करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. तो और इसके अलावा जो इसमें जो इसके टेस्ट इसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं, देयर वेरियस टेस्ट दैट कैन बी यूज, इसमें इंडोल फॉर्म ट्रॉफ्टोफॉन और सफिशेंट एसिड. और इसके अलावा हमारे पास एसिड भी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए, एसिटोनिन चाहिए और एबिलिटी टू यूटिलाइज द सिट्रेट, ठीक है. अच्छा, ई कोलाई का जो सबसे अहम चीज़ है कि ई कोलाई ग्रो कितने करता है. ई कोलाई 7 डिग्री से लेकर अप टू 50 डिग्री तक ग्रो कर सकता है, ठीक है. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 इसका ऑप्टिमम है, इस दौरान में इसको ग्रो कर सकता है, ठीक है. तो इसके स्ट्रेन तकरीबन सारे ग्रो कर लेते हैं. और जौन से है, और इसमें जो मेन टाइपिंग जो ई कोलाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, लिपो जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर जो सरफेस होती है वो लिपो पॉलीसेकेराइड और सेकेराइड की होती है, ख़ास तौर पर ग्राम नेगेटिव. तो इसमें जो एंटीजन है वो इसमें जो इसकी ऊपर वाली जो झिल्ली है उसके मुताबिक इसका ओ एच और के कैप्सुलर,
ये एंटीजेंस हैं जिसकी बुनियाद पर इनको हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस जो मेन है वो तमाम ईकोलाइज के फोर मेजर्स हैं, ये सारे डायरोजेनिक है, यानी सारे ही डायरिया कॉज करते हैं, सबकी एक डिस्टिंक्ट फीचर है। तो ईकोलाइज कौन सा है जो एंटेरोटॉक्सीजेनिक है, वो तकरीबन 12 से 36 घंटे बाद जो ही हम ले लेते हैं मुंह के अंदर तो वो रहता है, और इसके अलावा इसमें एफ डायरिया होता है लेकिन बुखार नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो क्लोरा लाइक सिस्टम होते हैं, यानी क्लोरा में लूज वाटर, बिल्कुल राइस लूज वाटर जो उनसे है मोशन लगे हुए होते हैं, विद म्यूकस और विदाउट म्यूकस होता है, ठीक है। तो इतना आई थिंक आप लोग के लिए। बाकी इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, दो किस्म के टॉक्सिन्स होते हैं, एक हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है। जो हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है ये ज़्यादा अहम है, वो 100 डिग्री पर भी 15 मिनट तक हीट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और एक हीट लेबाइल होता है, वो लेकिन 60 डिग्री पर डीएक्टिवेट हो जाता है। जो हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है वो 100 डिग्री पर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो हीट लेबाइल टॉक्सिन है वो 60 डिग्री पर भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शन जो इंटेरो एसिफ के हैं उसके जो सिम्टम्स हैं वो शिजेला लाइक ही होते हैं। जो इंटेरो इन्वेसिव, इन्वेसिव ये डेसेंट्री एक होती है लूज मोशन जिसमें ब्लीडिंग भी होती है, जाहिर बात है ये कोलोन वगैरह की अल्सरेशन कर लेता है, जो हमारे जिस्म में लार्ज इंटेस्टाइन है उसको इन्फ्लेम कर देता है। उसके बाद पेट में शदीद दर्द, बुखार, पैसेज ऑफ स्टूल, ब्लड, म्यूकस, लिकोसाइड, ये सब कुछ आता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटेरो पैथोजेनिक है, जो पैथोजेनिक टाइप है, इनमें जो प्रॉपर्टीज़ है ये टॉक्सोजेनिक और इंटेरो इन्वेसिव दोनों टाइप की इसमें होती है, ठीक है, जो पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक में यानी वोमिटिंग, डायरिया एंड स्टूल्स और ये चीज़ें भी इसी में बहुत ज़्यादा कॉमन्स हैं, ठीक है। और लास्ट में इंटेरो हेमरोजेनिक, ये इसको वेरोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई भी कहते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक सा होता है क्योंकि ये टॉक्सीजेनिक होता है और ये हेमराजिक कोलाइटिस कर लेता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग तक हो जाता है, और इसके अलावा हेमराजिक यूरेमिक सिंड्रोम भी कर लेता है, थ्रोम्बोराइटिक साइटोपेनिया टेम्पोरा, जिसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी ये हेमरेजिक बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हेमरेजेस भी कर लेता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना याद करना काफ़ी है आप लोग के लिए। आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन कैसे आप लोग फूड से करेंगे, इसके आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जौन से हैं, ये ज़्यादातर हमारे बाइल्स और इनमें प्रोडक्ट में हैबिटेंट होता है, उधर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू एगर भी एक यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बीटा ग्लूकोनाइडेज एक्टिविटी के तौर पर भी हम इसे एज ए यूज़ करते हैं, जिसे MUG मग भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे डिफरेंट सीरो टाइप्स की बुनियाद पर भी इसे हम जौन सा है वी विल आइडेंटिफाई इट, ठीक है। और तो लेटेस्ट जौन सा है आप सारों में एक चीज़ तो लिख ही सकते हैं, वो PCR। तो हम पॉलीमरेज चेन की रिएक्शन के ज़रिए हम इसकी डिटेक्शन भी कर सकते हैं, इसकी विरुलेंसी। एसोसिएशन विद द फूड जौन सा है सबसे अहम है जौन सा है इसमें जो आपके ई कोलाई में, तो जाहिर बात है जो ई कोलाई है इस एसोसिएटेड विद मैनी फूड एंड आई विल डिस्कस इट विद लेटर, ठीक है।